मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बैग में क्या क्या ऐसी नई चीज़ें ऐड हो गई हैं एक हादसे पेश आने के बाद, जिसमें दो बंदे बाइक से उतरते हैं और कहते हैं कि हाँ जी मोबाइल निकालो। तो रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा वाक्य पेश हुआ जब हम F9 पार्क में वॉक कर रहे थे, F9 पार्क में नहीं बल्कि उसे थोड़ा सा हम साइड पे थे, तो वहाँ पे अचानक से दो अफराद आते हैं बाइक पे और गन निकाल के हम पे रखते हैं और कहते हैं कि अपना फ़ोन दे दें। इस सिचुएशन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा टेरिफाई कर दिया, बहुत ही ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया, क्योंकि पहले हमने कभी ऐसी सिचुएशंस देखी नहीं थी, सुनी थी हमने बट एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो इस्लामाबाद जैसे सिटी में भी आजकल ऐसी वारदातें होने शुरू हो गई हैं। हम नहीं जानते कौन इसके पीछे है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट एक कॉमन सेंस हमें बताती है कि अवाम में बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन बढ़ गई है। इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी इतनी ख़राब हो गई हैं कि लोग जो है ना अपनी रोज़ी रोटी के लिए वो समझ उनको नहीं आ रही कि वो कहाँ से हासिल करेंगे, तो वो इस तरह की हरकत करने पर उतर आए। इस सिचुएशन में कोई भी लड़का और लड़की जो है ना महफूज नहीं है, फैमिली से ज़्यादा बाहर जाते हैं, आप अकेले जाते हैं, महफूज नहीं है। तो महफूज नहीं अगर हम हैं तो हम क्या छुप के सारे अपने काम छोड़ते हैं, घरों में बैठ जाए? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने पर्स में हर वक्त रखनी चाहिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ सेफ्टी का एलिमेंट आ सकता है। पहली बात तो ये कि जब हमसे फ़ोन स्नैच हुआ तो हमारे पास सिर्फ 10 से 20 सेकंड्स थे जिसमें वो बाइक से उतरे, उन्होंने गन रखी और हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे कि हम कोई उनके ख़िलाफ़ कुछ कर सकें। लेकिन ठीक एक दिन पहले पार्क में एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई उसी सेम स्पॉट पे, जिसका हमें मालूम नहीं था, हमें इलम नहीं था उस बात का। तो उसके पास 20 से 25 मिनट पूरे थे जिसमें वो बहुत कुछ कर सकती थी, अगर उसके पास राइट गैजेट्स होते, राइट चीज़ें होती तो वो आपको बचा सकती थी। कुछ चीज़ें हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा आपके सर पे है तो आपको ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, आपको चुपके से दे देना चाहिए, बिकॉज आगे से बंदा जो है ना वो गोली भी मार सकता है। और उस सिचुएशन को समझते हुए हमें ज़्यादा, अगर आप ट्रेंड नहीं है, अगर आप फुली मेंटली तैयार नहीं है, तो अपने फोन दे दें। लेकिन अगर आपके साथ इस तरह का कोई वाकया हो रहा है जिसमें आप ज़्यादती है हो रही है, या कोई हरासा कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है जिसमें आपके पास टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके आपकी अपनी जान बचा सकते हैं। तो मैंने जो है ना सबसे पहले जो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है आजकल मैंने अपने पर्स में रखी हुई है, वो है जी पेपर स्प्रे। ये बहुत ही एक नॉन लीथल वे है और आप इसको अपने बैग में एज अ परफ्यूम में एक बॉटल की तरह ही होता है, तो आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इसको गलती से भी अपने रूम में या अपने दोस्तों पे, आसपास के लोगों पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये 15 से 30 अगले बंदे को ब्लाइंड करती है। अगर आप उसकी आंखों में, उसकी नाक में या उसके मुंह में अगर ये स्प्रे करते हैं तो ये उसको ब्लाइंड कर देती है और आपको इतना टाइम दे देती है कि आप उस जगह से भाग के एक सेफ स्पॉट पे जा सकें। तो इसका जो है ना एक लॉक भी होता है, जो हम आपको क्लोजली अभी दिखाएंगे कि ये सेफ्टी लॉक है इसका, और इसके अंदर जो है ना स्प्रे होता है। तो फॉर एग्जांपल आप हाथ यहाँ पे रख के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और डायरेक्टली इनटू जो भी आपको हरासा कर रहा है उसके फेस पे कोशिश करें कि अगर आप मारें तो फौरन से जो है ना ये असर दिखाता है और उसको जो है ना ब्लाइंड कर देता है और उसको छींके आनी शुरू हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक गैजेट है जो आप अपने पर्स में हमेशा रख सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। ये आप उन लोगों पर भी इस्तेमाल करते हैं जो आप रोड से जा रहे होते हैं और कुछ लोग हजरात गाड़ी में आके आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, तो यू कैन यूज़ इट ऑन देम एज़ वेल। सो पेपर स्प्रे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अपने पास रखें। दूसरा है जी, हमारे पास है जी एक टीज़र। ये मैंने इतना ज़्यादा कभी इस्तेमाल नहीं किया, बट ये एक पूरे अच्छे पैकेजिंग में आता है, इसका चार्जर वगैरह साथ आता है। तो इसको जो है ना ये है कोई जी 5000 के वॉल्ट की, ये डायरेक्ट करंट हाई वोल्टेज का एक टीज़र है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको आपने बहुत सोच समझ के रखना है और इसमें भी जो है ना सेफ्टी ऑन ऑफ बटन वगैरह सब मौजूद है कि आप इसको गलती से इस्तेमाल ना करें। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, अगर मैं इसको ऑन करती हूँ तो ये लाइट जल जाता है इसमें, एंड देन अगर ये वाला जो बटन है इसको मैं दबाती हूँ तो ये करंट निकलता है इसमें से।
तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने अपने कैलकुलेशंस किए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको आके गन रख के फ़ोन मांगता है तो आप इसको फ़ौरन से निकाल के उसके हाथ में दे के इसको करंट का एक झटका दे सकते हैं और सिर्फ एक हाथ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए भी प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। आप अभी से अपने आप को इक्विप करेंगे तो आप ऐसे हालात में राइट डिसीजन कर लेंगे। तो ये बहुत एक अच्छी आइटम है और ये भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं एंड इट कैन बी अ वेरी गुड सेफ्टी टूल। ये क्या करता है कि ये अगले बंदे को इतना शॉक देता है कि वो गिर जाता है और आपको कुछ टाइम मिल जाता है कि आप फ़ौरन से कुछ एक्शन, अगर उनके हाथ में बंदूक है तो आप वो छीन सकते हैं, अगर आप भागना चाहते हो तो आप भाग सकते हैं। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जी आपके पास एक छोटा सा है जी कार्ड नाइफ, कार्ड की तरह बिल्कुल दिखता है लेकिन है एक्चुअल में नाइफ, और ये भी आपके पर्स में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में है कि आपके कुछ हाथ पांव बांधे हुए हैं या कुछ, तो उसके लिए रस्सी शक्सी काटने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये अगले बंदे को इतना ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके एक काम आ सकता है। यहाँ पे इसका छोटा सा लॉक है जिसको ओपन करने के बाद ये यहाँ से निकल जाता है और ये ऐसे हो जाता है। फिर हम जो है ना इसको ऐसे बंद करते हैं और ये आपके पास एक प्रॉपर नाइफ बन जाता है जिससे आप कोई भी चीज़ काट सकते हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड गैजेट टू बी इन योर पर्स। सो जी, तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसको हम पार्ट टू एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे और भी मज़ीद गैजेट्स जो आपको ईजीली जो है ना एक्सेसिबल हो सकते हैं और आप अपने आप को बचा सकते हैं ऐसे सिचुएशन से, क्योंकि आजकल मुल्क के हालात का पता नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम शुरू हो गई है और ना ही आप छुप सकते हैं ना ही आप भाग सकते हैं, आपने मुकाबला करना है हालात का। तो आपको जो है ना अपने पास वो राइट इक्विपमेंट, राइट चीज़ें रखनी हैं जिससे आप अपने आप का दिफा कर सकते हैं और ख़ुद को किसी भी मुश्किल से बचा सकते हैं। हमेशा से मेरी यही बिलीव होती है कि हम खुद अपने लिए स्टेप उठाएं रेदर देन कि हम बाद में विक्टिम ब्लेमिंग करें, सिस्टम को कोसते रहें। उनसे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ आज तक और ना ही होगा मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है। तो ख़ुद ही अपनी हिफाजत करनी है और ख़ुद ऐसे आप गैजेट्स अपने पास रखें जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये आइटम्स हमारे वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं तो वो लिंक आपको दिया जाएगा नीचे, जिससे आप इसको उठा के आप ले सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको कुछ मज़ीद गैजेट्स दिखाएंगे जिससे आप अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।